सो इंस्टाग्राम पे फिर से एक तड़कता भड़कता रील्स आ चुका है जो काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में देखने को अभी मिल रहा है। सो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस तरीके से ये वाली रील्स है जो यहाँ पे फोटो पे यहाँ पे मैसेज टोन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। और आपको एक चीज़ और यहाँ पे दिखता है कि यहाँ पे वीडियो पे भी आपको मैसेज टोन देखने को मिल जाता है। तो आपको इस वीडियो के अंदर मैं दोनों बताऊंगा कि आप लोग वीडियो पे कैसे मैसेज टोन ऐड कर सकते हैं और यहाँ पे फ़ोटो पे कैसे मैसेज टोन ऐड कर सकते हैं। अगर आप लोग वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक देखते हैं तो आपको फुल ट्यूटोरियल समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से इस वीडियो को एडिट करना है। उसके लिए आपको जाना होगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे आपको एक एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा जिस एप्लीकेशन का नाम है VN वीडियो एडिटर। सो आपको उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। अब इंस्टॉल करने के बाद आपको आ जाना है अपने मोबाइल के होम स्क्रीन पे। होम स्क्रीन पे आने के बाद आपको चलना है गैलरी में। गैलरी में आने के बाद आपको एक फ़ोटो सेलेक्ट करना है। जो भी फ़ोटो पे आपको इस तरीके के वीडियोस बनाना है तो आपको यहाँ पे वो वाला फ़ोटो सेलेक्ट कर लेना है। सो आप लोग देख सकते हो मैं अपने फ़ोटो पे आ चुका हूँ। उसके बाद यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद सेट वॉलपेपर पे क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पे अप्लाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और इसको हम लोग यहाँ पे बोथ करके यहाँ पे सेट कर लेंगे, यानी लॉक स्क्रीन पे इसको सेट कर लेना। अब लॉक स्क्रीन पे ये चीज़ हमारा फ़ोटो जो है वो सेट हो चुका है, तो हम अपने फ़ोन को एक बार यहाँ से लॉक कर लेते हैं। सो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो हमने अपने फ़ोन को यहाँ पे लॉक कर दिया है। अब यहाँ पे हमारा जो टाइमिंग है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा। अब करना क्या है, तो आपको यहाँ से एक स्क्रीनशॉट ले लेना है। आप लोग में अगर ऊपर से अगर स्क्रीनशॉट लेने का ऑप्शन है तो आप लोग यहाँ से भी ले सकते हो, और अगर आप लोग 3 फिंगर से लेना चाहते हो तो आप लोग वहाँ से भी ले सकते हो। आपके फ़ोन में जो भी सेटिंग होगा स्क्रीनशॉट लेने का, आपको उस तरीके से करके ले लेना है। उसके बाद आपको चलना है उस VN एप्लीकेशन के अंदर। सो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो हमने VN एप्लीकेशन अपना ओपन कर लिया। अब VN एप्लीकेशन ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको न्यू प्रोजेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे आ जाना है फ़ोटो वाले ऑप्शन पे। तो फ़ोटो वाले ऑप्शन पे आने के बाद आपने जो स्क्रीनशॉट लिया है उस स्क्रीनशॉट को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे एरो वाले ऑप्शन पे नीचे क्लिक करना है। जैसे हम क्लिक करेंगे हमको कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आपको सबसे फर्स्ट में ऊपर एक ओरिजिनल का ऑप्शन दिखता है, तो आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे 9:16 का रेशियो जो दिख रहा है इस पर टिकटॉक का सिंबल, आपको ये वाला सेलेक्ट कर लेना है और आपको यहाँ पे साइड में क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अब आपको जाना है वीडियो को एंड में। अब एंड में आपको एक यहाँ पर एक्स्ट्रा लॉन्ग पार्ट दिखता है, तो आपको इस पर क्लिक करके इसको यहाँ से डिलीट कर देना है। ये हमारा लॉन्ग पार्ट था इसीलिए हमने इसको यहाँ पे डिलीट कर दिया। उसके बाद आपको करना क्या है, तो अब आपको जाना होगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे आपको एक इमेज का लिंक मिल जाएगा, तो आपको उस इमेज को यहाँ पे डाउनलोड कर लेना है। अब डाउनलोड करने के बाद आपको यहाँ पे फ़ोटो वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, जो 3rd नंबर में आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करना है। वीडियो एंड फ़ोटो वाले ऑप्शन पर फिर से क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको फिर से यहाँ पर फ़ोटो वाले ऑप्शन पर आ जाना है। आने के बाद हमने जो फ़ोटो डाउनलोड किया है उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। तो कुछ इस तरीके का आपका यहाँ पे फ़ोटो होगा जिसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है और उसको यहाँ पे इतना साइज में करके यहाँ पे छोड़ देना है। आपको इस तरीके से यहाँ पे करना है। उसके बाद आपको नीचे क्रोमा का ऑप्शन दिख रहा होगा, तो आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको इसको यहाँ पे फुल कर देना है, यानी 100%, और इसको यहाँ पे 0% पे ला के रोक देना है, और यहाँ पे इसको थोड़ा स्लाइड करके ऊपर की तरफ जहाँ तक ये जा पाए वहाँ पे जाके रोक देना है। जस्ट आप लोग इन्हें चीज़ समझ लिया, उसके बाद यहाँ पे टिक कर देना है। टिक करने के बाद हमारा जो यहाँ पे ये फ़ोटो है वो ऐड हो चुका है। अब हमारा जो वीडियो है वो 11 सेकेंड का होने वाला है, तो आपको जाना है वीडियो के एंड में। अब एंड में जाने के बाद आपको फ़ोटो पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको फ़ोटो का साइज़ जो है वो आपको 11 सेकेंड पे जाके रोक देना है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो हम अपने फ़ोटो को 11 सेकेंड का यहाँ पे बना लेते हैं। सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये फ़ोटो हमारा 11 सेकेंड का हो चुका, और इसके साथ साथ ये भी हमारा ऊपर वाला जो है वो भी इसके साथ साथ फुल होना चाहिए। तो ये हमारा हो चुका है। अब आपको थोड़ा करना क्या होगा कि इस फ़ोटो को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको इसको थोड़ा स्लाइड करके यहाँ पे करीब करीब यहाँ पे लाके रोक देना है, थोड़ा यहाँ पे छोटा इसको कर देना है। उसके बाद अब आपको यहाँ पे म्यूजिक ऐड करना है। तो म्यूजिक ऐड करने के लिए आपको जाना होगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर हमने वीडियो का लिंक दे रखा है, आपको उस वीडियो को डाउनलोड कर लेना है। अब डाउनलोड करने के बाद आपको इस म्यूजिक वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है।
क्लिक करने के बाद आपको फिर से इस म्यूजिक वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको इस प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको एक्सट्रैक्ट फ्रॉम वीडियो पे क्लिक कर देना है। वीडियो पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे जो आपने वीडियो डाउनलोड किया वो दिख जाएगा, तो आपको इस पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको इस ओके पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा देर वेट करने को बोलेगा, तो आप लोग यहाँ पे वेट कर लोगे, ठीक है। उसके बाद आप लोग यहाँ पे आ जाओगे। अब आपको यहाँ पे आपका ऑडियो देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। सो आप लोग देख सकते हो, आप लोग इस ऑडियो को एक बार सुन भी सकते हो। उसके बाद आपको इस ऑडियो पे चूज पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको नीचे टिक कर देना है। अब हमारा यहाँ पे ऑडियो भी सेलेक्ट हो चुका है। अब आपको इस पे थोड़ा इफेक्ट ऐड करना है। इफेक्ट ऐड करने के लिए हमको इस फोटो पे इफेक्ट ऐड करना है, यहाँ पे मैसेज टोन पे। तो मैसेज टोन पे इफेक्ट ऐड करने के लिए आपको इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको इस मोशन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक स्लाइड का ऑप्शन दिखता है, आपको इस पे क्लिक कर देना है और इस पे नीचे टिक कर देना है। अब हमारा वीडियो फुली तरीके से एडिट हो चुका है। अब मैं आपको यहाँ से एक बार वीडियो को रिव्यू करवा देता हूँ। तो आप लोगों ने देख लिया किस तरीके से हमने अपना वीडियो एडिट कर लिया है। और अगर आपको फ़ोटो पे कोई भी इफ़ेक्ट ऐड करना है, तो आप लोग यहाँ से इफ़ेक्ट पे क्लिक करोगे और यहाँ पे फ़ोटो पे इफ़ेक्ट ऐड कर सकते हो। बट यहाँ पे ये काफ़ी ज़्यादा गंदा लगने लगेगा, इसीलिए मैं आपको इफ़ेक्ट ऐड करने को नहीं बोलूँगा। बस आपको कुछ इसी तरीके से वीडियो बना लेना है। अब बात आता है कि हम लोग वीडियो पे इस तरीके के मैसेज टोन कैसे ऐड कर सकते हैं। तो वीडियो पे करने के लिए जैसे हमने अपना यहाँ पे फ़ोटो जो स्क्रीनशॉट था वो ऐड किया है, आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट ऐड नहीं करके बस वीडियो ऐड कर देना है। और सेम तरीके से आपको यहाँ पे एडिटिंग करना है। आप लोग वीडियो पे भी एडिटिंग करना सीख जाओगे। उसके बाद इसको गैलरी में लेके जाने के लिए आपको साइड में एक्सपोर्ट का ऑप्शन दिखता है। आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखना, आपको एक्सपोर्ट का ऑप्शन दिखता है, आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको एक पॉपअप देखने को मिल जाएगा और यहाँ पे जैसे हमारा 100% हो जाएगा, ये हमारे गैलरी में सेव हो जाएगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि यहाँ पे इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियो प्रोवाइड कराई जाती है। मैं आप